जब अंग्रेजों का शासन था उस समय उनके अत्याचारों से तंग आकर जननी जन्मभूमि हमारी मातृभूमि भारत माता को भारत राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए विभिन्न लोगों ने विभिन्न स्तर पर अपनी अपनी कोशिशें की, संग्राम किया। वो क्रांतिकारी कहलाए, वो राष्ट्रभक्त कहलाए, लेकिन एकमात्र भगत सिंह ऐसे शख्स थे जिन्हें उस समय भी शहीद कहा जाता था और आज भी हम एकमात्र व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं जिनको हम शहीद भगत सिंह के नाम से याद करते हैं। से जड़े एभली क्रांतिकारी नेता देशभक्त एत कम बयस इंग्रेज मान विरुद्ध संग्राम करी शहीद होते 23 मार्च 1931 फांसी दिया जेकि वर्तमान लाहौर जेल में फांसी दिया पंजाब से जन्मग्रहण करते तेणु यही जड़े देशभक्त व राष्ट्रभक्त को प्राय आम समाज में समस्ते भूलीगले किंतु आमर ओडिशा सुरक्षा सेना तरफ आज से जड़े देशभक्त को मन पकाउ दीर्घ 6 वर्ष होगा। शहीद भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे से युवा अवस्था से क्रांतिकारी देशपाई प्राणबलि देते। उनका एक ही नारा था, सरफरों की तमन्ना हमारे दिल में है, आज़ादी, पूर्ण आज़ादी ही उनका सपना था और आज़ादी के लिए उतने अपना जिस उम्र में समझे युवा अलग आयाम में जाते हैं उन्होंने अपना जीवन पूरा देश के ऊपर निछावर कर दिया। अपने शादी की बात सुन के घर छोड़ के भग गए वो और उनकी दुल्हन भारत माता ही बनी, उन्होंने भारत माता को ही अपने दुल्हन बनाया। जलियांवाला बाग कांड के बाद उनमें और ज़्यादा आक्रोश हो गया, उसके बाद उन्हें भरी असेंबली में बम फेंक के वहाँ से भी नहीं बंधे और वंदे मातरम का नारा लगा के सबको आगाह किया, अंग्रेजों को बोला कि भारत आपको छोड़ना ही पड़ेगा। स्वतंत्रता सेना में स्वतंत्रता सेनानी जितने भी हुए जिन्होंने अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिलाई, उन्होंने बलिदान दिया, ये बिल्कुल सही है। और उनकी जितने भी किस्से कहानी है पूरा इतिहास भरा हुआ है, लेकिन मूल बात एक ही है, उनसे हम सीख सकते हैं, वो क्या है? अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना। अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठेगी तभी जो जुल्म करने वाला है उसको समझ में आएगा कि ये गलत हो रहा है। तो उस आज़ादी को कायम करने के लिए हमें महापुरुषों से यही सीखना है कि जो भी सरकार अभी वर्तमान में है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, अगर वो जुल्म कर रही है, लोकतंत्र के विरुद्ध काम कर रही है, तो हमें आवाज उठानी है। अनुजाई ओडिशा सुरक्षा सेना तरफ कटक शहर रे एक प्रतिमूर्ति निर्माण निमन्ते सेना तरफ एक प्रतिनिधिमंडली कटकर मान्यवर सांसद एवं कटकर मान्यवर विधायक को भेटी कटक शहर रे एक प्रमुख स्थान रे तांकर प्रतिमूर्ति निर्माण करने दाबीपत्र देवा सहित जिल्लापाल तांकु मध्य ओडिशा सुरक्षा सेनार कटक विभाग देखा करी सरकारी प्रचेष्टा रे तांकर एक प्रतिमूर्ति स्थापन कले। यह केवल युव मानस को एक युव समाज को एक जो प्रतिभा ताहाकु आंदोलित कर क्रांति मानव जाति का अभी तक के अधिकार है, स्वतंत्र सभी का एक अविनाशी जन्म सिद्ध अधिकार है। वो मुझे मार सकते हैं लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते, वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन वे मेरी आत्मा को कुचल नहीं पाएंगे। मर के भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी, मेरी मिट्टी से भी वतन की ही खुशबू जाएगी। आज
जो मैं आगाज लिख रहा हूँ उसका अंजाम कल आएगा, मेरे खून का एक एक कतरा कभी तो इनकलाब लाएगा।